हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज आपके साथ मैं बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां शेयर करने वाली हूं। एंड साड़ियों का जो भी हॉल मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूं आपको बड़ा पसंद आता है, ऑल्सो द रैम्प वॉक विच आई डू, बिकॉज उसके थ्रू आप कहते हैं जैसे कि आपको पूरा एक्चुअली एक साड़ी या ड्रेस जो आप रैम्प वॉक में दिखाते हो कैसी दिखती है, हमको उसका ओवरऑल आगे से पीछे से मतलब पहनने के बाद कैसे दिखने वाली है उसका पूरा नॉलेज आ जाता है। तो यही क्लैरिटी आपको देने के लिए मैं थोड़ा एफर्ट लगा के आपको पूरी साड़ी एकदम प्रॉपरली पहन के आप लोग को दिखाती हूँ। सो थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन एंड आज इसी एप्रिसिएशन के साथ आई होप कि आगे भी आप और अप्रिशिएट करें इस वीडियो को देखने के बाद में। ये सारी साड़ियाँ जो है मैंने ली है अमेजोन से एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा प्रिंट है, फैब्रिक मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल वेरी 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 गुड सारी। ये जो सारी साड़ियाँ हैं आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में पहन सकते हैं। एंड एक और ख़ास चीज़ ये, क्योंकि अभी क्रिसमस है तो अमेज़ॉन पे जो है सेल्स लगातार आती रहती है, तो आप लोग के लिए एक सेल्स जो है 18 तारीख से शुरू होने वाली है, विच इज़ वार्डरोब रिफ्रेश सेल। एंड जो प्राइम मेंबर्स है उन लोगों के लिए एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगा ये सेल्स, यानी कि 17 तारीख से। अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आप इस सेल का जो फ़ायदा है एक दिन पहले से उठा सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इस सेल को बिल्कुल मत भूलिएगा जो स्टार्ट हो रही है 18 से, प्राइम मेंबर्स के लिए 17 से। सो जो भी साड़ियाँ मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ दिखाऊंगी पहन के अपनी रैम वॉक करूंगी एंड सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अभी दिखाती हूँ एक एक करके सारी साड़ियाँ। सबसे पहले आती है ये वाली साड़ी, देख रहे हैं आप येलो कलर में। सो ये माधुरी दीक्षित ने पहनी हुई है साड़ी, बहुत ही अच्छी लग रही है उन पर। एंड उसके बाद मैंने रिव्यू भी सारे चेक किए, बहुत ही अच्छा है। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये जो लेस लगी हुई है वो इसकी शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। दिस इज डिजिटल प्रिंट में जॉर्जेट की साड़ी है, का ब्लाउज पीस भी इसमें साथ है। तो जो भी मैंने साड़ियाँ ली है हर एक के साथ उसका ब्लाउज पीस है। सो दिस इज द ब्लाउज पीस, इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स एंड उसी टाइप की पत्तियाँ आई हुई है। एंड ये जो प्रिंट है पूरी ऑल ओवर साड़ी है। एंड ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये भी ऑल ओवर पूरा लगा हुआ है। इतनी सॉफ्ट मटेरियल, इतनी हल्की साड़ी है कि आप किसी फंक्शन में अगर जाते हैं तो बहुत इजीली इसको लॉन्ग टाइम तक कैरी कर सकते हैं। ये साड़ी है ये वाली। नेक्स्ट इज दिस कांजीवरम साड़ी। आप मतलब इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। इसकी शाइन, इसकी जो क्वालिटी है इसकी शाइनिंग में ही नज़र आ रही है। वो नॉट्स जो ट्राई करते हैं एंड सी, एक ग्लिटरी इफेक्ट है पूरे इनके थ्रेड वर्क में ही। तो कांजीवरम की यही स्पेशलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है एक रॉयल लुक देती है। ऐसे लगा के दिखाते हैं ऑटोमेटिक, देखिए मैंने पहनी नहीं है लेकिन कितना ग्रैंड लुक आ रहा है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन आपके ऊपर ये कैसी लगेगी। सो वेरी ब्यूटिफुल साड़ी। नेक्स्ट कम दिस अमेजिंग लेनिन साड़ी। लेनिन साड़ी जो है आपको बहुत ही एक डिग्निफाइड लुक देती है, ऑल टुगेदर हर ओकेशन पे ये जो है बहुत डिसेंट दिखती है। सो आई हैव टेकन दिस वेरी लाइट पिंक कलर में लिया है, इसमें सिल्वर कलर के इस तरह से स्ट्राइप्स दिए हुए हैं। ये देखिए आप ये सिल्वर कलर के लाइन्स यहाँ पर भी देख रहे हैं। इन साड़ी होती है वो पूरी प्लेन रहती है लेकिन उसका जो कपड़ा होता है एंड जो बॉर्डर होता है वो उसकी शोभा को और भी बढ़ा देता है। ये हर सीज़न के लिए प्रेफरेबल है, चाहे विंटर, अलग अलग वेराइटीज़ की साड़ी ली है जो आपके डिफरेंट ओकेशंस में सेट हो। देन कम्स वेरी अमेजिंग साड़ी, ये देखो पूरा मतलब सोना पूरा इसी में जड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। दिस इज़ बनारसी साड़ी एंड जो पिक्चर मैंने अमेजोन पे देखी थी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतना ज़्यादा रिच लग रहा था एंड मुझे लगा कि मैं इसको पहनने के बाद अगर जाऊँगी तो सब लोग तो मुझे ही देखने वाले हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। एंड डेफिनेटली आएगी क्योंकि मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको वो जो मैं बोल रही हूँ वो सही लगेगा। तो बहुत ही बेहतरीन साड़ी है, देखो फुल गोल्ड गोल्ड में है एंड उसके बाद ओनली गोल्ड नहीं है, अंदर आपको और भी अलग डिज़ाइंस मिलेंगे। सो दिस इज़ बनारसी साड़ी एंड इसके ऊपर जो काम किया हुआ है दैट इज़ रियली अमेजिंग। क्या लग रही है साड़ी, है ना। तो एक ही कलर दिख रहा है यहाँ पे, जब मैं पूरी पहनूंगी तब आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट कम्स दिस वन। तो आपको लग रहा होगा साड़ी पूरी इसी तरह से, नहीं, दिस इज़ जस्ट द पल्लू एंड दिस इज़ अ सिल्क साड़ी एंड इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है दैट इज़ लुकिंग वेरी गुड। दो कलर्स अवेलेबल थे, जो मैंने लिया है वो है दिस कलर। तो आपको दोनों में से जो भी पसंद आता है जब आप इसका लिंक चेक करोगे तो आपको दोनों कलर्स कॉम्बिनेशन में दिख जाएंगे। मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है एंड ये साड़ी ऐसी है बेशक सिल्क होते हुए लेकिन इसमें एक ग्रिप है कि आप साड़ी को जैसे बोलेंगे ऐसे रुको वैसे रुको वैसे ही ये रुकेगी। सो बात मानने वाली साड़ी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसे देख लो। सो देखो कैसे भी ये बहुत अच्छी लग रही है एंड वैसे भी हम हर किसी में बहुत ही बढ़िया लगते हैं ना, अपने मुँह में यहाँ मिट्ठू नहीं हो रहा, कभी कभी चलता है ना। हमेशा मैं पहले भी शायद बोल चुकी हूँ
आपकी तारीफ कोई अगला पर्सन आके करे उसका वेट मत करो, ज़िंदगी गुजर जाएगी। जब आपको लगता है कि आप अच्छे लग रहे हो, आप अपने आप को भी जो है थोड़ा सा उठा सकते हो, थोड़ा सा प्रेज़ कर सकते हो। मोटिवेशन लाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप ही काफ़ी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ अगेन अ कांजीवरम साड़ी। तो कांजीवरम साड़ी जो है फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड आजकल जो है ट्रेंड में भी इतनी ज़्यादा चल रही है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है और बहुत हल्की होती है। सो दिस इज़ इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर्स, ग्रीन एंड पिंक, वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत उभर के आता है, राइट अच्छा लग रहा है ना। तो जब प्रॉपरली पहनेंगे तब उसका प्रॉपर वाला मज़ा आएगा। तो दिस इज़ वन सारी वेरी गुड इन क्वालिटी एंड अमेजिंग, लाइक वेरी लाइट वेट। एंड हर साड़ी में एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि साड़ी का जो उल्टा साइड होता है, आपको उसकी क्वालिटी का कैसे का अंदाज़ा हो कि अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं। तो साड़ी ऊपर से जिस तरह से स्मूथ है, अगर पीछे भी उस तरह से स्मूथ है, धागे वागे नहीं निकल रहे, दैट मीन्स इट इज़ अच्छी कढ़ाई, बिना धागे निकलने वाली जो होती है दैट इज़ काउंटर इनटू गुड कैटेगरीज ऑफ साड़ी। कुछ साड़ियाँ होती है जो ऊपर से तो अच्छी दिखती है लेकिन आप उल्टी करके देखोगे तो धागे ऐसे लटकते रहते हैं, तो वो ओनली देखने के लिए अच्छी लगती है लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आप चूड़ियाँ अंगूठियाँ जो भी पहनते वो धागे जो ऐसे निकल रहे होते हैं उसमें बहुत फंसती है। तो जो भी साड़ियाँ मैंने सेलेक्ट करी है बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, ऊपर से जितनी स्मूथ है, अंदर से भी कोई धागे वागे निकले नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये देखिए इस तरह से। एंड आपकी आप कैसे भी चूड़ियाँ पहनो या कुछ भी पहनो, फंसने वाला नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो दिस इज़ माई साड़ी हॉल। ओनली अभी तो एक्सप्लेनेशन हुआ है, असली काम तो अभी बाकी है, पहन के दिखाना। तो चलिए बिना देर करते हुए आपको साड़ी की सारी साड़ियाँ पहन के दिखा देती हूँ और आप भी बिना कंजूसे करिए यार, साड़ी पहनना, एक साड़ी पहनना ही महाभारत है। यहाँ पे इतनी सारी साड़ियाँ पहन के दिखाने वाली हूँ आपको, आप लोग की क्लैरिटी के लिए। तो वहाँ पे बिना कंजूसी के वहाँ पे एक थम्स अप लाइक चिपका दीजिएगा, अपना अंगूठा वहाँ पे चिपका दीजिएगा। एंड चलो अभी देखते हैं अपन अपना रैंप वॉक।
वॉज द सारी एंड मी, मतलब सारी के अंदर मैं भी थी, इसलिए मैं अपने बारे में भी तो पूछूंगी। तो आई होप आपको सारी साड़ियाँ अलॉन्ग विथ मी काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो जितनी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आपके चेहरे पे भी आई होगी ना, तो उस मुस्कुराहट के साथ जो है वहाँ लाइक चिपका दीजिए, एंड ज़रूर 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 जो है इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। एंड ज़रूर वाली बात क्या है, सेल है जो 18 तारीख से शुरू हो रही है, तो उसको मिस मत करना 17 से प्राइम मेंबर्स के लिए। तो प्राइम मेंबर वाले भी जाग जाओ, आप प्राइम मेंबर हो, आप लोग के लिए एक दिन पहले ही ऑफर शुरू हो रहा है। तो कुछ भी पसंद आता है बिना डिले किए जो आप ले सकते हो, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लो, नहीं करोगे तो आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी तो मिस कर जाओगे ना, मिस मत कीजिएगा, इसलिए घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।